आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ पुलिस की ओर से गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी सहित 11 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई। कुल 1100 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई। विशेष लोक विवेचक संजय ने बताया कि मुख्तार अंसारी पर कुल 55 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, अपहरण, फिरौती हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में अपराध पंजीकृत हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनके गैंग चार्ट बनाया गया है और अपराध संख्या 160/20 में उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस चार्जशीट में मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग अभियुक्त हैं। चार्जशीट 1100 पन्ने की है। मुख्य आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने 2014 में तरवा थाना क्षेत्र में ठेकेदार से रंगदारी मामले में आगरा जेल से अपने सूत्रों के जरिए ठेकेदार के कर्मचारियों पर भयभीत करने के लिए गोलियां चलवाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इस मामले में दर्ज हुआ था और चार्जशीट होने के बाद उक्त मामला MP MLA कोर्ट में विचाराधीन है। सर, अपना परिचय देते हुए आज जो मैं संजय देवी, विशेष लोक विवेचक गैंगस्टर आजमगढ़, मुख्तार अंसारी की आज चार्जशीट जाकिट हो गई गैंगस्टर में, और जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी और कुछ कमियां की वजह से एक दिन पहले नहीं दाखिल हो पाई थी, आज दाखिल हो गई। सर, क्या मामला था जिसमें चार्जशीट लगी है? अब मुख्तार अंसारी के पास 55 आपराधिक इतिहास है। 55 केसों में मामले, फिरौती से लेकर के हत्या तक के सारे अपराध उनके खिलाफ हैं। तो सारे अपराधों को दर्शाते हुए गैंग चार्ट बनाया गया था। आपराधिक इतिहास गैंग चार्ट में दो एक मुकदमे थे। आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा इनका है। इस अपराध पर इनका विचारण चलेगा। विचारण के बाद जैसा होगा। सर, एक तरों वाला मामला भी यहाँ चल रहा था, वो वाला भी उसमें भी इसमें हाँ हाँ उसमें है। तरमा वाले भी मामले में है। सारे मामले उसमें आपराधिक इतिहास के रूप में दिए गए हैं और ट्रायल के समय सारे मामलों का विचारण किया जाएगा। विचारण करके तब जैसा होगा। कितने पन्ने की लगभग? लगभग 1100 पन्ने की है। तो चार्जशीट बहुत लंबी चौड़ी, जो कि काफ़ी अभियुक्त हैं इसमें। अभी अभियुक्तों का 11 अभियुक्त हैं। 11 अभियुक्त ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।